हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने यहाँ पर आम की बहुत ही नई रेसिपी लेकर आई हूँ। और अगर आप भी आम खाने के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। बहुत ही आसानी से बनकर तैयार होने वाली होममेड आम पन्ना सेमई रेसिपी फटाफट बनकर तैयार हो जाती है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो जब भी आपका मीठा खाने का मन करे, सुबह हो शाम, आप इसे कभी भी बनाकर खा सकते हैं। इसकी पूरी रेसिपी को देखते हैं और इसे देखने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है। तो यहाँ पर मैंने 2 पके ऐसे आम ले लिया है और इसे पानी से धुलने के बाद, अच्छे से पोंछने के बाद इसे आप ऐसे पील करके रख लीजिए। फिर मिक्सर ग्राइंडर का ऐसे जार ले लिया है और उसमें ये आम को हम ऐसे कट करके और इसकी स्लाइस बनाकर ऐसे ऐड कर लेंगे। और ऐड करने के बाद हम इसी में आधा कप शक्कर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कप शक्कर ऐड कर दिया है और इसे ढक्कन लगाकर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। आम को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और इसे हम दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने ऐसे ऐसे एक पॉट में ऐसे ट्रांसफ़र करके और रख लिया है। अब हम सेवैया बनाकर तैयार करते हैं। तो ये देखिए, मैंने ये बारीक वाली सेवई ले लिया है 1 कटोरी और इसे हम बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने गैस का नॉब ऑन करा और ऑन करके एक पॉट रख दिया है। पॉट में 1 कप पानी ऐड किया है और 1 चुटकी इसमें नमक ऐड कर दिया है। अब इसे एक उबाल आते तक हमें ढक्कन लगाकर पका लेना है। इसमें जब उबाल आ जाए, इसके बाद ही हमें इसमें सेवई ऐड करना है। तो ये एक उबाल आ चुका है, तो हमने जो कटोरी में 1 कटोरी सेवई रखा था, इसे ऐड कर दिया है। और इसे हल्का सा ऐसे चम्मच चला के हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस उबाल आने वाले पानी में ही थोड़ा सा पकाना है। गैस का नॉब बंद कर देंगे और इसे स्टेनर लगाकर हम ऐसे दूसरे पॉट में स्टेनर लगाकर इसे ऐसे छान कर और अलग रख लेंगे। तो बस ऐसे हमने फटाक से इसे छान लेना है और इसका पानी अलग कर देना है। पानी अलग करने के बाद आप इसे ठंडा करने के लिए साइड में रख दीजिए। तो ये हमारा मैंगो पल्प भी बनकर तैयार था और सेवई भी बनकर तैयार है। तो हम इन दोनों को अलग रखते हैं। और ये देखिए आप, मैंगो भी बढ़िया अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम क्रीम बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कटोरी फ्रेश मलाई ले लिया है। मलाई को हम एक ऐसे पॉट में पलट लेंगे। होममेड मलाई है, इसको हम बीटर से बीट करके और इसका विप क्रीम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैंने इसे हल्का सा ऐसे बीट कर लिया है, बीट करके और इसका क्रीम बनाकर तैयार कर लिया है। तो आप भी ऐसे 2 मिनट बीट करेंगी तो क्रीम बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद हमने दूसरा ये पॉट ले लिया है। कोई भी आप ऐसे चौकोन बॉक्स या पॉट ले लीजिए। उसमें सबसे पहले हम मैंगो पल्प ऐड करेंगे, उसके ऊपर जो सेवई बनाकर रखा था ठंडा होने, उसे ऐड करेंगे अच्छे से और उसे प्रॉपरली ऐसे सेट कर लेंगे। तो मैंने इस सेवई को पहले ऐड करा है मैंगो के ऊपर। हल्का हल्का ऐसे ब्रश करते हुए आप इसे अच्छे से सेट कर दीजिए। इसके ऊपर हम फिर से मैंगो पल्प जो बनाकर रखे थे उसे ट्रांसफर करेंगे और अच्छे से हम इसे चम्मच से ऐसे अप्लाई करते हुए इसे सेट करेंगे और इसके ऊपर अच्छे से डालेंगे। तो ये मैंने मैंगो को भी ऐड कर दिया है। अब हमने जो क्रीम बनाकर रखा था, अब हम इसके ऊपर क्रीम को ऐड करेंगे। तो क्रीम में मैंने सिर्फ मलाई था, मलाई में कोई भी शक्कर ऐड नहीं किया था, बस उसे भी क्रीम बीटर से बीट करके और इसमें क्रीम बनाकर तैयार कर लिया था और उसे ही इसमें ऐड किया है। तो बस ये अच्छे से ऐसे ऐड कर लिया है। तो आप इसे हल्का सा स्पून से ऐसे टैप करते हुए, प्रेस करते हुए इसे ऐड कर लीजिए। और जो बाकी सेवई बची थी उसे हम फिर से ऐड कर देंगे इसके ऊपर। तो बस ऐसे करके हमने सारे सेवई को और नीचे आम को ऐसे ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद हल्का सा स्पून से हम ऐसे टैप कर देंगे। टैप करने के बाद बाकी जो मैंगो पल्प बचा था उसे भी हम ऊपर से ऐसे ऐड कर देंगे। तो बस ऐसे करके ऐड कर दिया है और चम्मच से इसे टैप कर देंगे। इसके बाद हम इसी में थोड़ा सा नारियल का बूरा ऐड कर देंगे इसके ऊपर। और इसी में हम 5-6 मैंने यहाँ पर पिस्ता थे जिन्हें कट करके और इसके ऊपर ऐड किया है। तो आप भी कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के बाद आप इसे थोड़ा सा चम्मच या फिर नाइफ से ऐसे अच्छे से प्रेस कर दीजिए ताकि इसमें अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद आप इसे फ्रिज में 2 से 3 घंटे बाद आप इसे फ्रिज से निकाल कर सर्व कर सकते हैं। होममेड आम पन्ना सेमई रेसिपी बनकर तैयार है फटाफट। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।